प्यारे छात्रों आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम के है मैं टी एस एम एस कोंडा पार्क में हिंदी अध्यापिका हूँ आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी आप उनके उत्तर देने की कोशिश करें ठीक है देखिए यह क्या है हाँ बिल्कुल सही कहा कि यह क्या है घड़ी है है ना? घड़ी हम किस लिए देखते हैं हाँ समय जानने के लिए घड़ी देखते हैं हम है ना? इस वक्त समय क्या हो रहा है बिल्कुल सही कहा। मिनट हो रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार समय का हमें पता चला ठीक है बच्चों घड़ी से हमने समय का पता लगा लिया अब प्रश्न समय का पर्यायवाची शब्द क्या है जी हाँ काल है ना बिल्कुल सही कहा आपने समय को हम काल भी कहते हैं तो आज हम काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे सबसे पहले कार कार्य के, हो, के होने के समय का पता चले उसे काल हैं क्या कहते है। हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए प्रदीप पढ़ रहा है रमेश कल दिल्ली जाएगा मैडम पढ़ा रहे थे ये तीन वाक्य हैं इसमें पढ़ रहा है दिल्ली जाएगा पढ़ा रही थी इनसे हमें कुछ क्रिया समझ में आ रही है अब वो कब हो रहा है कैसे हो रहा है उसका भी पता चल रहा है ठीक है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है बोले तो अभी क्रिया चल रही है है ना और कल दिल्ली जाएगा यानी फ्यूचर में जाएगा और क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है और पढ़ा रही थी पढ़ा रही थी बोले तो अभी क्रिया हो चुकी है है ना इस प्रकार जो है इन तीन वाक्यों से हमें तीन कालों का पता चल रहा है वो काल कौन कौन से हैं वर्तमान काल भविष्य काल और भूतकाल है ना तो आज हम वर्तमान काल और काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे ठीक है हैं वर्तमान काल की व्याख्या यानी परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं उदाहरण राम अभी अभी आ रहा है वर्षा हो रही है इन दो वाक्यों में क्रिया जो है अभी चल रही है वर्षा हो रही है बोले तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना और राम आ रहा है अभी अभी आ रहा है वो कम वो आके नहीं रुका इसलिए उसे हम कहेंगे यह वर्तमान काल की व्याख्या है अब हम वर्तमान काल के जो पांच प्रकार है उनके बारे में जानेंगे वर्तमान काल के भेद पांच है सामान्य वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान काल संभाव्य वर्तमान काल इस प्रकार ये पांच प्रकार है सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है ता हूँ हूं आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं उदाहरण के लिए राम घर जाता है वह गेंद खेलता है सीता पढ़ती है इन वाक्यों में जाता है खेलता है पढ़ती है इस प्रकार जो है क्रिया अभी पूरी न होने की हमें जानकारी मिल रही है तो वह क्या हो गया सामान्य वर्तमान का हुआ इस प्रकार हम वाक्य से जान सकते हैं कि यह कौन सा काल का वाक्य है दूस, दूसरा है उसके बाद का अपूर्ण वर्तमान काल यानी तात्कालिक वर्तमान काल भी उसे कहते हैं अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं जिन वाक्यों के अंत में रहा है रहे हैं रही है रहा हूँ आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं यह उसकी परिभाषा हो गई उदाहरण देखिए वा वाक्यों में शाम गेंद खेल रहा है वह घर जा रहा है अनीता गीत गा रही है रमेश लिख रहा है इन वाक्यों में जो है रहा है रही है इससे क्या पता चलता है कि क्रिया भी और चल रही है रुकी हुई नहीं है है ना? इस प्रकार हम अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों को पहचान सकते हैं तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है इसमें हमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूरे होने के बारे में पता चलता है जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने फल खाए हैं उसने गेंद खेली है वह खाया है इसमें जो खा, खा खाने की जो क्रिया है वह अभी अभी पूरी हुई है तो पूर्ण वर्तमान काल ऐसा हम उसे कह सकते हैं चौथा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने का होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं अर्थात जिन वाक्यों के अंत में होता होगा होती होगी हो होते होंगे आते होंगे जाते होंगे इस प्रकार जो है अंत में शब्द आते हैं तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल उदाहरण के लिए सविता पत्र लिखती है होगी वह गाता होगा राम खाता होगा रमेश खा जाता होगा ऐसे वाक्यों में देखिए लिखती होगी गाता होगा खाता होगा जाता हो यानी डेफिनेट वहाँ पे क्रिया हो रही है ऐसा नहीं बता रहे है कि संभाव्यता उसमें एक शंका दिखाई दे रही संदिग्धता है उसमें है ना इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं उसके बाद अंतिम प्रकार है संभाव्य वर्तमान काल संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा होगी संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं उदाहरण के लिए वह आया हो वह लौटा हो वह चलता हो उसने खाया हो यानी इसमें संभाव्यता होती है यहाँ पर भी आ, पूरी तरह से क्रिया कंप्लीट हो चुकी है ऐसा नहीं बोल सकते इसलिए इसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं इसके बाद हम देखते हैं भविष्य काल के भेद ठीक है काल यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि आते हैं वे भविष्यकाल होते हैं उदाहरण के लिए मैं कल विद्यालय जाऊंगा। दूसरा है खाना कुछ देर में बन जाएगा यानी क्रिया पूरी नहीं हुई है कल की बात कल यानी टुमारो तु, है ना कल का मीनिंग दो प्रकार से होती है यस्टरडे और टुमारो लेकिन हिंदी में कल यानि वाक्य के अनुसार जाऊंगा आऊंगा ऐसे जब आते हैं तो समझ लेना कि टुमारो और गया था आया था भूतकाल में होगा तो वह यस्टरडे ऐसा समझना तो यहाँ पे मैं विद विध्य, कल विद्यालय जाऊंगा जाऊंगा यानी क्रिया पूरा नहीं हुआ बन जाएगा खाना कुछ देर में बन जाएगा यानी पूरा नहीं हुआ इस प्रकार हमें भविष्य में होने की सम बात बता रहे हैं इन वाक्यों से इसलिए वह भविष्यकाल समझना हमें अब भविष्यकाल के तीन भेद हैं सामान्य भविष्यकाल संभाव्य भविष्य काल हेतु हेतु मत भविष्यकाल है ना इस प्रकार ये तीन प्रकार है सबसे पहले देखते हैं सामान्य काल की व्याख्या क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य काल कहते हैं अर्थात जिन शब्दों के अंत में वाक्यों के अंत में ए गा ए गी ए गे आदि आते हैं उन्हें सामान्य काल कहते हैं इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है उदाहरण के लिए वह खाना खाएगी बच्चे खेलने जाएंगे वह घर जाएगा इसमें जाएगी जाएंगे जाएगा ये जो अंतिम क्रिया बता रही है कि वह पूरा नहीं हुआ क्रिया उसे पूरा होना है आगे इसलिए उसे हम भविष्य का कहते हैं इसके बाद दूसरा प्रकार है क्रिया संभाव्य या संदिग्ध भविष्यकाल ये दोनों संभाव्यता संदिग्धता एक ही जैसे समझना हमें उसकी परिभाषा देखिए क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं इसमें क्रिया क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है उदाहरण के लिए शायद कल सुनील आगरा जाए शायद आज वर्षा हो शायद चोर पकड़ा जाएगा परीक्षा में शायद मुझे दो अंक प्राप्त हो इस प्रकार संभाव्यता वो डेफिनेट नहीं कह रहा है है ना? उससे इन वाक्यों से हमें जानकारी जो है पूरी होने की नहीं मिल रही इसलिए उसे हमें किस क्या कहना चाहिए संभाव्य या संदिग्ध भविष्य भविष्यकाल कहना चाहिए तीसरा प्रकार है हेतु हेतु मत भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मत भविष्यकाल कहते हैं इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा। यह एक उदाहरण है इसमें जो, जो है देखिए वह भविष्यकाल जो है हेतु है हेतु बता रहा है यदि यदि अगर हुँ? दूसरा यदि छुट्टियाँ होगी तो मैं आगरा जाऊँगा छुट्टी होगी तो ही वो जाएगा नहीं होगी तो नहीं जा सकता यानी यहाँ पे सम डेफिनेट नहीं है फ्यूचर में होने वाली क्रिया के बारे में बता रहा है हुँ? अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा वह आए तो मैं जाऊँ वह कमाए तो मैं खाऊँ ये सब उदाहरण हैं दूसरे उदाहरण में भी अगर वह मेहनत करेगा तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा यानी संभावना बता रहा है हे, उसका हेतु बता रहा है अगर काम काम के साथ मेहनत के साथ उसके फल का हेतु है है ना यहाँ पर तीसरे उदाहरण में देखिए वह आए तो मैं जाऊँ है ना वह आएगा उस क्रिया पर दूसरा क्रिया डिपेंड है उस पर आधारित है है ना अगर पहली क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया होने की संभावना नहीं है इस इसलिए इसे हेतु है इसमें पहले क्रिया और दूसरी क्रिया में जो हेतु बताया गया हेतु यानी उद्देश्य फल पाने का उद्देश्य पहले वाक्य में है फल पाना दूसरा वाक्य है मेहनत करना पहला वाक्य है पहला वाक्य दूसरे फल पर क्यों, को हेतु बता रहा है उद्देश्य बता रहा है इस इस प्रकार हमें हेतु हेतु मत भविष्यकाल के बारे में जानना है इन वाक्यों को समझकर हमें उसका परिभाषा को समझना होगा ठीक है इस प्रकार आज हमने वर्तमान काल और भविष्य काल के प्रकार जाने हैं ठीक है प्यारे छात्रों आज का आपका ग्रह कार्य है काल का अर्थ क्या है जानकर लिखना और काल के भेद वर्तमान काल के भेद भविष्य काल के भेद कितने हैं वो जानकर अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिख कर भेद सामान्य वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल इस प्रकार पांच प्रकार हमने पढ़े उसके साथ ही भविष्य काल और भविष्यकाल के तीन प्रकार उसमें सामान्य भविष्यकाल संभाव्य भविष्यकाल और हेतु भविष्य हे भविष्यकाल इस प्रकार तीन हमने भविष्यकाल के प्रकार पढ़े हैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा पार्ट्स अच्छे से समझ में आया होगा फिर से मिलते हैं अगली कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद